बहुत अजीब लग रहा है ना। हाँ मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। बालाजी हमारे घर वालों को रिश्ता मंजूर है, बट हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारी सोच हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है। हाँ जी बिल्कुल, अरे पूरे लाइफ की बात है, एक दूसरे को बिना जाने इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते। वही तो। हाँ तो ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कुछ मैं अपने बारे में बताता हूँ। आखिर घर वाले भी तो यही चाहते थे ना कि हम आपस में मिल ले, बातें कर ले, एक दूसरे को समझ ले। हाँ कूल, ये अच्छा रहेगा। तो ठीक है, पहले आप बताइए अपने बारे में। नहीं पहले आप बताइए। बड़े बुजुर्गों ने बोला है महिला प्रथम। अच्छा ठीक है यार, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मुझे शादी के बाद भी पढ़ने दिया जाए, और अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो मुझे वो भी करने दिया जाए, बट अगर फैमिली वालों को कोई इतराज ना हो तो। अरे ये तो अच्छी बात है, वैसे भी कहते हैं ना माड़ी छोड़े किसी छोड़ो से कम है के। आप बताओ कुछ अपने बारे में। एक्चुअली पहले सरकारी नौकरी के लिए ही मैंने ट्राई किया, बट सरकारी नौकरी लगी नहीं तो मैंने सोचा प्राइवेट जॉब ही कर लो। अरे कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया, और वैसे भी प्राइवेट जॉब इतनी भी खराब नहीं, अच्छी लाइफ होती है, अच्छी सैलरी होती है। अच्छा एक बात पूछूं, यहाँ आने से पहले आपको आपके घर वालों ने कुछ तो बताया होगा मेरे बारे में? ऑफ कोर्स बताया ना, तभी तो आई। वैसे क्या बताया, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे कुछ खास नहीं, हमें लड़का पसंद है, अच्छी फैमिली है, अच्छा कमाता है, 80,000 सैलरी है। सैलरी कितना बताया? 80,000 बताया, बट ये नहीं बताया कि कट के आता है कि बिना कट के आता है। मेरी सैलरी अभी सिर्फ 20,000 है श्रेया। यार श्रेया देखो, मुझे पता है तुम्हें जो बताया गया ना उसके हिसाब से आप तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बड़ी होगी, लेकिन यार जिसके साथ पूरी लाइफ मुझे स्पेंड करना है ना उससे झूठ बोल के रिश्ता मैं नहीं जोड़ सकता यार। यार श्रेया मैं तुम्हारी खामोशी समझ सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता ना तो मेरा भी रिएक्शन शायद यही होता। आप चाय पियोगे? ठीक है अगर आप चाहे तो ये रिश्ता आप अपने से भी कैंसिल कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पे कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आप ऐसा चाहते तो मैं खुद से भी ये रिश्ता कैंसिल कर दूंगा अगर आप कहे तो। आई एम सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको घर छोड़। नहीं मैं चली जाऊंगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, सॉरी। मुझे गोलगप्पे पसंद है, मुझे गोलगप्पे पसंद है, आप खिलाओगे ना? हाँ जी बिल्कुल खिलाएंगे। एक बात कहें दुबे जी, पैसा तो एक गरीब से लेके एक बिजनेसमैन भी कमाता है, बट जो ऑनेस्टी होती है ना वो हर कोई नहीं कमा पाता है, और मुझे वो चीज़ आप में दिखी। मुझसे नहीं पूछोगे मेरा डिसीजन क्या है? मुझे लगा कि आपकी खामोशी आपका डिसीजन है। अरे वो तो मैं शौक थी, मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने दो या नहीं। तो क्या सोचा है आपने? हाथ से तो नहीं जाने दूंगी, तो क्या सोचा है आपने, गोलगप्पे खिलाओगे कि नहीं?